हेलो वीवर्स, आज हम बना रहे हैं सिजलिंग प्रॉन्स। तो आइए इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। सिजलिंग प्रॉन्स बनाने के लिए हमें चाहिए 1/2 kg प्रॉन्स, 1/2 teaspoon शुगर, 1/2 teaspoon सॉल्ट, 1/2 teaspoon ब्लैक पेपर पाउडर, 2 tablespoons कॉर्नफ्लावर। इससे हम प्रॉन्स को मैरिनेट करेंगे। उसके बाद इसकी एक सॉस बनेगी। सॉस के लिए हमने लिया है 2 tablespoon तेल, 2 tablespoon सोया सॉस, 1/2 cup टमेटो केचप, सॉल्ट टू टेस्ट, 1 teaspoon शेजवान सॉस, 2 tablespoon विनेगर, 1 tablespoon शुगर, 1/2 teaspoon चिली फ्लेक्स, 1/2 teaspoon ब्लैक पेपर पाउडर और 1 teaspoon कॉर्नफ्लावर। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करके हमने तैयार करके रखा है। इसके बाद हमें चाहिए 1 प्याज जुलियन में कटी हुई, 1 शिमला मिर्च जुलियन में कटी हुई, 1 गाजर जुलियन में कटी हुई, 1 टेबलस्पून अदरक क्रश, 1 टेबलस्पून लहसुन क्रश और ये हरी प्याज के पत्ते गार्निश के लिए। और क्योंकि ये सिजलिंग प्रॉन्स है, इसके लिए हम इसको सिजलर प्लेट के ऊपर रखकर सर्व करेंगे। सबसे पहले हम अपने प्रॉन्स को मैरिनेट करेंगे। चीनी, इसे प्रॉन्स को मैरिनेट करके 10 मिनट के लिए छोड़ दें। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने सिजलर प्लेट गरम होने रख दिया है। इसमें मैं अब प्रॉन्स को पकाऊंगी। 10 मिनट हमने प्रॉन्स को पहले मैरिनेट कर लिया है। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल, 1 टेबल स्पून गरम होने देते हैं। ये बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है। तेल हमारा गरम हो चुका है। अब इसमें जाएगा ये चॉप्ड गार्लिक और जिंजर। इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे। तो ज्यादा नहीं पकाना है, 30 सेकेंड्स तक ही इसको फ्राई करेंगे। अब इसमें प्रॉन्स ऐड कर देते हैं। प्रॉन्स को पकने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, जल्दी फटाफट पक जाता है। जब तक यहाँ हमारे प्रॉन्स पक रहे हैं, तब तक मैं इसमें सॉस को पकाऊंगा। ये हमारा बनाया हुआ सॉस है, इसमें इस सॉस पैन में डाल के इसको हल्का गाढ़ा करेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, 1 से 2 टेबलस्पून पानी इसमें जाएगा। मिक्स करके इसको हल्का गाढ़ा होने तक पकड़
बीच बीच में सॉस को भी हिलाते रहें, नहीं तो कॉर्नफ्लावर है नीचे चिपक जाएगा। प्रॉन्स को मीडियम हीट पे उलट पुलट करते हुए थोड़ी देर पका लें। चार से पाँच मिनट लगेंगे प्रॉन्स को पकने में, उसका कलर चेंज हो जाएगा। सॉस हमारी पक चुकी है, अभी मैं इसका चूल्हा बंद कर देती हूँ। प्रॉन्स भी अब हमारे पक चुके हैं, अब इसमें जाएगा जुलियन में कटा हुआ गाजर, कैप्सिकम और ये स्लाइस प्याज। तेज आंच पर इसको एक मिनट पकाएंगे। सिज़लर प्लेट भी हमारी वहाँ गर्म हो रही है। सब्जियों को डाल के ज़्यादा देर नहीं पकाना है, नहीं तो सब्जियों का कलर खराब हो जाएगा। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हमारी सॉस। मिक्स कर देते हैं। हमारे सिजलिंग प्रॉन्स बनकर रेडी है। इस पे जाएगा ये स्प्रिंग अनियन। अब मैं इसको सिज़लर प्लेट के ऊपर रखकर सर्व करूंगी।
सिज़लर प्लेट हमारी बहुत ज़्यादा गर्म है, इसको ध्यान से उठाएं। इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। हमारे सिजलिंग प्रॉन्स रेडी है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।